सो हेलो, इन द लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि दो अगर लाइन है, अगर वो इंटरसेक्ट हो रही हैं तो उनके बीच में किस तरह एंगल फॉर्म होगा। एक्यूट एंगल बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। एक्यूट एंगल निकालने के लिए हम मॉड लगाते हैं, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 देखा था। और पैरेललिटी की कंडीशन थी स्लोप बराबर होंगे, और परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन थी m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1। इसके कुछ सवाल किए थे। अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक लाइन की इक्वेशन हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन है 2D में। अभी तक आप जब लाइन खींचते थे तो आप दो पॉइंट्स एक टेबल ड्रॉ करते थे, राइट? आप हमेशा क्या करते, जैसे आपको कोई लाइन दी होती थी, लेट से कि x प्लस 2y इज इक्वल टू लेट से 6, आपको कोई लाइन दी हुई है तो आप एक ऐसी टेबल ड्रॉ करते थे क्लास 10 तक, जहां पे आप लाइन खींचने के लिए कम से कम हमें दो पॉइंट की जरूरत होती है। तो हम वो दो पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं, एक्स और वाई इस तरह टेबल बनाते हैं, और हम देखते हैं यदि एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ, जब एक्स की वैल्यू लेट से 6 होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसे मैंने दो पॉइंट निकाले, ऐसा नहीं है कि दो ही पॉइंट है, और भी मैं बहुत सारे पॉइंट निकाल सकता हूँ इस पे से। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 2 लें तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो इस तरह से और भी पॉइंट हो सकते हैं। ऐसे मैं निकालता चला जाऊंगा तो कोई इसकी सीमा नहीं है, क्योंकि इस लाइन पे इन्फाइनाइट पॉइंट्स आते हैं, तो ऐसे मैं इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकता हूँ। यानी हर ये पॉइंट जो है 0.3 एक पॉइंट हुआ, 6.0 एक पॉइंट हुआ, ये सभी पॉइंट्स क्या है, बेसिकली ये आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये एटसेक्टर लगा देता हूँ मैं, आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इस लाइन पे लाई करते हैं, यानी इनको आप फर्स्ट वाली चीज को एक्स कोऑर्डिनेट मानोगे, सेकंड चीज को वाई कोऑर्डिनेट मानोगे, यानी इसको एक्स कोऑर्डिनेट मानोगे, इसको वाई कोऑर्डिनेट मानोगे, और इन एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो वो क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। और फिर हम लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, और फिर हम लाइन ड्रॉ करने के लिए कोई भी दो पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं जो हमारी टेबल आई होती है, उसमें से हम कोई भी दो पॉइंट चुन लेंगे। मान लीजिए मैं पहले दो पॉइंट चुन लेता हूँ, तो एक पॉइंट है 0.3, वो कुछ यहाँ पे होगा 0.3, और एक पॉइंट है 6.0, तो वो कुछ यहाँ पे होगा 6.0, तो इनको मैं ज्वाइन कर दूंगा और मेरी लाइन ये फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से अभी तक हमने लाइन निकालना सीखा है, बट कुछ और तरीके भी सीखेंगे एडवांस मेथड्स स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है? तो ये तो बेसिक मेथड था टू प्लॉट अ लाइन, जो अभी तक हम करते आए हैं। टू प्लॉट अ लाइन या फिर कोई टू प्लॉट अ लीनियर इक्वेशन, ये क्या है एक्चुअली, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो एक स्ट्रेट लाइन भी है ये, तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई। तो कई बार हम लाइन की इक्वेशन के ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6, ये बताने के लिए कि ये लाइन की इक्वेशन ये है। और लाइन इन्फाइनाइट तक जाती है, मैं बनाता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जा रही है, लाइन आपकी दोनों तरफ ही एक्सटेंड होगी। तो ये एक बेसिक मेथड हो गया, ठीक है? सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम किस किस तरीके से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं बिना पॉइंट्स को प्लॉट किए। और तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन को किस तरीके, कितने तरीके से हम लिख सकते हैं वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं अब। सो सबसे पहले कुछ रेडीमेडी लाइन जानने से पहले हम सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी इक्वेशंस क्या होंगी, ठीक है? जैसे स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप जानते हो कैसी होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। जैसे जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई है मैंने यहाँ पे, और उदाहरण के लिए मैं कोई दो लाइन ले लेता हूँ। मान लीजिए एक लाइन मेरी ऐसी है जो कि पैरेलल है, और एक लाइन मान लीजिए कुछ ऐसी है, ये दोनों ही लाइन आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। लेट से ये लाइन आपकी L1 लाइन है और ये लाइन आपकी L2 लाइन है, और मान लीजिए ये जो दूरी है आपकी, ये है आपकी दूरी A। जैसे इसका मतलब ये हो गया कि चलो A की वैल्यू कुछ बोल देते हैं, लेट से A इक्वल टू 3 है, ठीक है? यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0.3 जो वाई एक्सिस पॉइंट होगा, और लेट से ये वाला पॉइंट है आपका 0.-5। तो अब इस लाइन की इक्वेशन लिखना काफी आसान है। आप जानते हैं अगर L1 लाइन की बात करूं तो L1 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका वाई कोऑर्डिनेट सेम है। L1 लाइन पे आप जितने भी पॉइंट्स ले लीजिए, आप ये पॉइंट ले लीजिए, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। ये पॉइंट ले लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। यानी आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सभी का वाई कोऑर्डिनेट 3 होगा। इसलिए हम L1 लाइन की इक्वेशन बोलते हैं वाई इक्वल टू 3, बिकॉज ये ऐसा इक्वेशन है जो आपका हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। चाहे आप पॉइंट 3.3 ले लें, चाहे आप 0.5.3 ले लें, जो उस पॉइंट का जो पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज वाई इक्वल टू 3 तो है ही सही। यानी इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसकी इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू समथिंग,
वो समथिंग क्या है, वो बेसिकली वो डिस्टेंस है जो जो ये मेंटेन कर रख रहा है, वो जितना ऊपर होगा तो y इक्वल टू 3 हो गया। इस केस में क्या होगा L2 में y इक्वल टू माइनस 5, तो ये इस केस में इक्वेशन हो जाएगी, बिकॉज इस पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस 5 ही होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है 3, -5, ये कोई पॉइंट है 5, -5, यानी y की वैल्यू हमेशा माइनस 5 रहेगी। यानी इस पे आने वाला हर पॉइंट, L2 पे आने वाला हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस तरीके से हम लिख पाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू समथिंग, और ये जो आपकी x एक्सिस है इसकी क्या इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू 0। इसलिए हम x एक्सिस को क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू 0, या नोट लगा लेते हैं ये क्या है आपकी x एक्सिस है, ये इसको हम बोलते हैं y इक्वल टू 0, बिकॉज इसके हर पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। चाहे आप ऑरिजिन की बात करें 0, 0, चाहे आप इधर कोई पॉइंट की बात करें 3, 0, चाहे आप इधर कोई पॉइंट की बात करें, इसका जो y कोऑर्डिनेट है इस पर आने वाले पॉइंट का वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसलिए y इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x एक्सिस। कई बार हम यहाँ पे x नहीं लिखते, कई बार हम यहाँ पे y इक्वल टू 0 लिख देते हैं, इसका मतलब होता है ये x एक्सिस है। ठीक है, तो ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन की चर्चा, ऊपर है x एक्सिस है या नीचे है, तीनों केस में आपने देख लिया किस तरह लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं वर्टिकल लाइन की क्या इक्वेशन होगी। सो अब देखते हैं वर्टिकल लाइन्स किस तरह की होती हैं। वर्टिकल लाइन जैसा कि नाम है वर्टिकल नेचर की होंगी, अगर आप जो स्टैंडर्ड जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है जिसमें आप ऊपर y को मानते हो, नीचे इधर हॉरिजॉन्टल में x को मानते हो, तो अगर ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये y एक्सिस हो गया, तो वर्टिकल लाइंस वो लाइंस होंगी, ये ओरिजिन हो गया, जो कि y एक्सिस के पैरेलल होंगी। और इसमें फिर तीन तरीके से बन सकते हैं, या तो y एक्सिस के राइट में होंगी, या फिर y एक्सिस के लेफ्ट में होंगी, या y एक्सिस के ऊपर ही होंगी, यानी खुद y एक्सिस होगी, राइट। तो यानी ऐसी कोई लाइन हो सकती है, ऐसी कोई लाइन हो सकती है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है आपका 3, 0, और मान लीजिए ऐसी कोई लाइन हो सकती है, ये पॉइंट है आपका लेट से -2, 0, और ये वाला पॉइंट तो आप जानते ही हैं 0, 0। इस केस में क्या होगा, पहले इस लाइन की बात कर लेते हैं, लेट से ये L1 है, ये L2 है। L1 लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट्स की कुछ खासियत है, L1 लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, हमेशा 3 रहेगा। ये मान लीजिए 3, 2 है, ये मान लीजिए 3, 4 है, ये मान लीजिए 3, -3 है। y कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा हाइट के हिसाब से, बट क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट सेम ही है, यानी इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू 3, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। और इस y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0, बिकॉज इस पर आने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। और उस तरीके से इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -2, यानी इस पर आने वाले हर पॉइंट जो है इस x इक्वल टू -2 को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह हमने ये इक्वेशन लिख ली, और ये x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, एक्चुअली y एक्सिस की इक्वेशन, ये आप याद रखिएगा। तो y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। इस तरीके से हम वर्टिकल लाइन कैसी भी हो आप उसकी इक्वेशन इस तरह बता सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड दी इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, उन लाइनों की इक्वेशन बताइए पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस लिख रहा हूं उसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ऐसी लाइन है जो किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स के पैरेलल हो या फिर वाई के पैरेलल हो, और वो इस पॉइंट से पास होती हो, इन पासिंग थ्रू -2, 3। ऐसी लाइन की इक्वेशन जो कि किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास होती हो, वो क्या होंगी। सीधा सच्चा सवाल है, आप डायग्राम बनाइए, आप देखेंगे -2, 3 कहाँ आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा -2, 3। सो दो ही लाइन बन सकती हैं जो के पैरेलल हो, एक तो एक लाइन ऐसी बन सकती है, ये किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू समथिंग, राइट। ये क्या है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, यानी कि इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 3। एक ऐसी लाइन बन सकती है जो वर्टिकल लाइन होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, इस लाइन पे आने वाला जो हर पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी इस लाइन की इक्वेशन होगी x इक्वल टू -2। तो ये हमारे आंसर होंगे y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -2। तो ये बहुत ही सिंपल केसेस थे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के। अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अलावा कोई टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, अब उसकी हम फॉर्म्स देखेंगे कैसे निकालते हैं वो लाइंस की इक्वेशन। तो सबसे फेमस उदाहरण लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म का। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म सबसे ज्यादा काम में आने वाली लाइन है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और
इस पे मैं कोई लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, ये कोई लाइन एल है लेट से, जैसा कि नाम बताता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी मुझे किसी लाइन पे दो पॉइंट दिए हों या फिर मुझे एक पॉइंट दिया हो, उससे भी निकल जाएगा। अगर मुझे लाइन पे एक पॉइंट दिया हो और मुझे उस लाइन का स्लोप पता हो, पॉइंट स्लोप मतलब एक पॉइंट पता हो और एक स्लोप पता हो, मान लीजिए मुझे पता है इस लाइन का स्लोप m है, मान लीजिए मुझे पता है इस लाइन का स्लोप m है और इस लाइन पे एक पॉइंट आता है x1 कॉमा y1, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ इस लाइन की इक्वेशन। मैं एक जनरल पॉइंट मान लेता हूँ इस लाइन पे x कॉमा y, अभी x1 y1 तो एक्चुअली मुझे कुछ दिया होगा, 2 कॉमा 1, 3 कॉमा माइनस 2, इस तरह का कुछ होगा, यानी x1 एक नंबर है, y1 भी क्या है एक नंबर जो कि क्या है कॉन्स्टेंट है। इसी तरीके से मुझे m भी दिया होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दी होगी m की भी। अब जैसे इस केस में एक्यूट दिख रही है तो यानी m की वैल्यू पॉजिटिव रही होगी इस केस में, ठीक है, क्योंकि इसमें ये एंगल कैसा बन रहा है एक्यूट बन रहा है, यानी स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव रही होगी। इस केस में मैं इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे दो पॉइंट पता लग गए, अब एक मैंने जो माना हुआ है जनरल पॉइंट है x कॉमा वाई, एक आप जनरल पॉइंट मानते हो और एक पॉइंट आपको गिवन था और m गिवन है, तो आप देख सकते हो m इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इस केस में क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, यानी आपकी जो इक्वेशन है बन जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, यानी ये आपकी इक्वेशन होगी इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें आप x1 y1 और m की वैल्यू डाल देंगे, ये जो आपकी इक्वेशन आएगी लाइन की, इसमें किस में आई है इक्वेशन, ये x और y में तो आई है, यानी ये आपकी इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो x1 y1 एक फिक्स पॉइंट था और स्लोप दिया हुआ था आपको, तो x1 y1 एक फिक्स पॉइंट था और m क्या है स्लोप है और x y एक जनरल पॉइंट आपने माना है, यानी अगर ये x y मैंने कुछ फिक्स तो नहीं किया है, तो जनरल है, यानी अगर जो मेरी इक्वेशन आई है ये उन सारे x y को सेटिस्फाई करेगी जो इस लाइन पे आते होंगे। ये जो इक्वेशन आई है मैंने उसमें कुछ लिखा तो नहीं x y किधर है, कहीं भी हो सकता है, चाहे इसके ऊपर हो इसके नीचे हो इसके ऊपर हो कहीं भी हो सकता है, राइट। जो मैंने जनरल लिखा है, यानी ये जो इक्वेशन आई है इसमें जो x y की जगह में कोई भी पॉइंट डाल दूं इस लाइन पे आने वाला, ये उसको सेटिस्फाई करेगी ही, इसलिए ये इसकी लाइन की जनरल इक्वेशन होगी। यहाँ पे किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है कि आपके लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है और एक्यूट एंगल बना रही है, स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है, आपको बस क्या याद रखना है, अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और लाइन का आपको स्लोप दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस फॉर्म को समझने के लिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू माइनस टू कॉमा थ्री विद स्लोप माइनस फोर। सिंपल सा सवाल है, इस केस में आपको दो पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है लाइन में, एक आपको एक पॉइंट दिया हुआ है एक स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लिख सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन, यानी हो जाएगा y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर टाइम्स x माइनस माइनस टू। क्या बन जाएगा ये y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर टाइम्स x प्लस टू, यानी y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स माइनस एट। सबको एक तरफ ले आइए, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर को, गलत नहीं है कुछ भी। ये बन जाएगा एक्चुअली 4x प्लस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये आपने जनरली ऐसा इसलिए लिखते हैं जैसे कि ये बन जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की फॉर्म बन जाती है, ये जनरल इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। है इस फॉर्म में आप आंसर को लेके आ जाते हो, ऐसा जरूरी नहीं है इसी फॉर्म में रखा जाए, आप y इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स माइनस फाइव लिखते वो भी सही है, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म से ये निकाल लिया इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी ऐसी लाइन जिस जो इस पॉइंट से गुजर रही होगी और जिसका स्लोप ये होगा उसकी इक्वेशन ये होगी। नेक्स्ट केस देखते हैं, यदि हमें लाइन पे दो पॉइंट दिए हों, पिछले वाले केस में क्या एक पॉइंट दिया हुआ था एक स्लोप दिया हुआ था, अब यहाँ पे स्लोप नहीं दिया हुआ आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं मान लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, ये भी काफी फेमस है फॉर्म, ये बिल्कुल पहले जैसी है सिमिलर है। इसमें पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ एक, और एक कोई लाइन है मान लीजिए और वो कुछ इस तरीके से मैंने बना दी है कैसी भी, इसमें आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं मान लीजिए, एक पॉइंट है यहाँ पे कुछ x1 कॉमा y1, और मान लीजिए एक पॉइंट कुछ यहाँ पे है x2 कॉमा y2। अब आपको इस लाइन की क्वेश्चन बतानी है, अब आपको पता है लाइन की क्वेश्चन आपने पिछले बार एग्जांपल में पढ़ी थी, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम टाइम्स
एक्स माइनस एक्स वन। अब इस केस में एक पॉइंट तो यही हुआ है आपको एक्स वन वाई वन, एम निकाल सकते हो आप, एम क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस, यानी इसमें मैं क्या करूंगा, मैं एक जनरल पॉइंट मान लेता हूं इसमें एक्स कॉमा वाई, मैंने इस पर एक जनरल पॉइंट मान लिया एक्स कॉमा वाई, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, मान लेते हैं मैं इसको बोलता हूँ ए, इसको बोलता हूँ बी, इसको बोलता हूँ सी, ठीक है, ये तो मैं पिछले वाले एग्जाम्पल से था, इसको छोड़ देते हैं भले ही, हालांकि वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जानते हो कि इस लाइन में क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी, या फिर स्लोप ऑफ ए सी भी होगा, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ ए सी, ए बी का स्लोप क्या होगा वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू, ए सी का स्लोप क्या होगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बन जाएगा ये वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये सेम वैसी तो है, अगर आप मान लीजिए m की वैल्यू यहां रख देते तभी तो यही आता, पिछले वाले फॉर्म से आपको ये याद था, ये क्या था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, इसमें m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस आप याद रख सकते हो m की वैल्यू क्या होगी y2 माइनस y1 अपॉन, या तो आप ये वैल्यू को वहां रख दीजिए या फिर आप इस तरीके से निकाल लीजिए, आपका सेम इक्वेशन आ रहा है, यानी ये जो इक्वेशन आई है y माइनस y1 इज इक्वल टू दो पॉइंट की मदद से आपने स्लोप लिखा मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1, ये है आपकी टू पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन। और ध्यान रहे इसमें आप किसी को भी x1 मान सकते हैं, किसी को भी फर्स्ट पॉइंट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड पॉइंट मान सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। मान लो आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, आप सोचेंगे पहले मैं एक्स वन वाई वन किसको मानूं, दोनों पॉइंट में से आपको किसी को भी आप एक्स वन वाई वन मान लीजिए, किसी को भी एक्स टू वाई टू मान लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये तो एक इक्वेशन हो गई। मैं इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स एक्स माइनस एक्स टू, क्या फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देखते हैं, एक सिंपल सा, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स वन कॉमा माइनस वन एंड थ्री कॉमा फाइव। पहले आप क्या करेंगे, या तो आप सीधे इक्वेशन याद रखिए, या आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं, एम निकाल लीजिए पहले, एम क्या होगा फाइव माइनस माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन, यानी क्या हो जाएगा सिक्स अपॉन टू, यानी कि थ्री, यानी स्लोप क्या होगा लाइन का थ्री होगा। फिर कैसे करेंगे, फिर कर देंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। अब देखिए यहां पे आप एक्स वन वाई वन इसको माने या इसको माने, ये तो आपने स्लोप निकाल लिया लाइन का, ठीक है, स्लोप निकालने में भी आप कुछ भी कर सकते थे, चाहे दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस करो, इस वाले पॉइंट में से इस वाले पॉइंट को माइनस करो, यानी पी पॉइंट क्यू पॉइंट बोल देते हैं इसको, पी में से क्यू को माइनस करो या क्यू में से पी को माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ये देख चुके हैं स्लोप निकालने में, और यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप एक्स वन वाई वन पी को मान रहे हो चाहे एक्स वन वाई वन क्यू को मान रहे हो, मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। पहला केस मान लेते हैं जब हम पी को मान रहे हैं, तो क्या होगा वाई माइनस वाई वन क्या होगा माइनस वन होगा, यानी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन क्या होगा वन होगा, तो क्या आ जाएगा ये वाई प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस थ्री, यानी वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर, ये इक्वेशन आ गई वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर, यानी ये मेरा आंसर होगा। अब मान लो तो मैं इसको क्यू को मान लेता हूं, मान लीजिए मैं एक्स वन वाई वन क्यू को मान लेता यदि, तो क्या होता वाई माइनस वाई वन, मान लो वाई टू लिख देता, मान लीजिए वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स टू, मान लो ऐसा लिख देता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वाई माइनस क्या होता फाइव इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एक्स माइनस थ्री, क्या आएगा वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस नाइन, फाइव को उधर ले जाओ, यानी आप किसी भी पॉइंट को एक्स वन वाई वन मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा यही क्वेश्चन याद रखो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, आप एक्स वन वाई वन चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो आंसर आपका आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टू पॉइंट फॉर्म निकाल सकते हो, पहले स्लोप निकाल लो अलग से, फिर उसको इस तरह यूज कर लो, ये सही पड़ेगा आपको हमेशा।